सो हे गाइस, फिर से वेलकम बैक टू द चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो फ्रेंड्स, सर आप एक स्नैपचैट यूज़र है तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि गाइस आज का हमारा वीडियो हर स्नैपचैट यूज़र के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आखिर कैसे आप अपनी गैलरीज के फोटोज़ को यानी कैमरा रोल के फोटोज़ में स्नैपचैट के फिल्टर्स के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइस आप लोगों ने मुझे यार बहुत सारे कमेंट्स में पूछा था कि आखिर हम कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस वाले हमारे फीचर का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस स्नैपचैट के एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद सिंपली आपको चले जाना है अपनी गैलरी में। यहाँ पर जैसे गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ अपने स्नैप वाले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली बता दूँ कि अगर आपको अपने किसी भी फोटो, चाहे आपके यहाँ पर कैमरा रोल की फोटो या फिर आपके स्नैप्स की फोटो ही क्यों ना हो, आप उनमें यहाँ पर स्नैपचैट के फिल्टर्स को आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस वाले यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चाहे आपके स्नैप्स की पिक्चर हो या फिर आपके कैमरा रोल की पिक्चर ही क्यों ना हो। जैसे गाइस मैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्नैप यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, कुछ इस टाइप के यहाँ पर ये वाला स्नैप। फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर कोई फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर राइट साइड में, थ्री डॉट वाला ऑप्शन। तो गाइस उसका सिंपली आपको यहाँ पर एडिट स्नैप वाले ऑप्शन को टैप कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप किया। तो फ्रेंड्स, किसी भी गैलरी वाले फोटो में यहाँ पर स्नैपचैट के फिल्टर्स को यूज़ करने का यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दो तरीका है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला यहाँ पर तरीका है, उसके लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पर राइट यहाँ पर स्वाइप करें। जैसे गाइस मैं यहाँ पर स्वाइप कर रहा हूँ इस वाले फोटो में। फ्रेंड्स, आप इस तरीके का यूज़ करके भी यहाँ पर आसानी से अपने गैलरी में गैलरी वाली पिक्चर को और स्नैप्स के पिक्चर को आसानी से यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई फिल्टर को यहाँ पर यूज़ नहीं करना बल्कि एक पर्टिकुलर फिल्टर को यहाँ पर यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है हमारे सर्च वाला, फ्रेंड्स सिंपली आपको सर्च वाले ऑप्शन को टैप कर दें। जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ सर्च वाले ऑप्शन को, तो फ्रेंड्स सर्च वाले ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद आपके यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स एंड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे गाइस आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे गाइस आपको फिल्टर यहाँ पर देखने मिलता है, इफेक्ट देखने मिलता है एंड बहुत सारे जो भी ट्रेंडिंग यहाँ पर होते हैं स्नैपचैट के फिल्टर, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर फिल्टर को यहाँ पर यूज़ करना है अपने कैमरा रोल वाली फोटो को यानी कैमरा रोल वाली पिक्चर को, सिंपली गाइस उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसी वे का यूज़ करके आसानी से किसी भी अपने गैलरी वाले फोटो में स्नैपचैट का फिल्टर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वाले पिक्चर को यहाँ पर सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन को टैप करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिलता है हमारा डाउनलोड वाला। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन को टैप कर देना एंड आपके यहाँ पर जो ये फोटो होगा वो आपके यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर सेंड करना है अपने फ्रेंड्स को तो आप सेंड भी यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्नैपचैट से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैं ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा ऑनली ऑन अपने इसी चैनल पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, सब कुछ करने का, बस खुश रहने का।